यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से 5000 से भी ज्यादा साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अपने सखा अर्जुन को गीता का अनमोल उपदेश दिया था, जिसके बाद ही अर्जुन अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन गीता में अर्जुन को दिया गया ज्ञान समय के साथ साथ और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होता जा रहा है। बस हम सभी के लिए ये आवश्यक है कि जब भी हम गीता को पढ़ रहे हों या सुन रहे हों, तो उस क्षण के लिए हम खुद को अर्जुन की जगह रखकर देखें। फिर पता चलेगा कि हमारे या आपके जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने नहीं दिया हो। इसलिए भागवत गीता को सिर्फ एक धर्म ग्रंथ समझने की भूल ना करें, क्योंकि अगर आप गीता में दिखाए मार्ग पर चलिएगा तो मेरा दावा है कि आपको किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने या फिर किसी दूसरे ऑथर की मोटिवेशन बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो भागवत गीता में 18 अध्याय हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको गीता के पहले अध्याय के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह भगवान कृष्ण ने मनुष्य के जीवन की सारी समस्याओं को अर्जुन के प्रश्न द्वारा चित्रित किया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गीता ज्ञान का ये अनमोल सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भागवत गीता के पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अर्जुन मन व्याकुल हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कैसे अपने सगे संबंधियों के साथ युद्ध करेंगे, और इसी व्याकुलता को दूर करने के लिए वे अपने सारथी श्री कृष्ण से कई प्रश्न करते हैं। और ये सिर्फ अर्जुन के मन की व्याकुलता नहीं है बल्कि समस्त मानव जाति की है, क्योंकि आपने भी अनुभव किया होगा कि जब कभी हम इंसानों के सामने भी अर्जुन जैसी स्थिति आती है तो हम भी इसी तरह व्याकुल हो जाते हैं और ये निर्णय नहीं कर पा रहे होते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। महाभारत युद्ध के पहले दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर की सेना एकत्रित हो चुकी है। ऐसे में अपने महल में बैठे हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के मन में ये जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए उनके और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। ऐसे में वे अपने सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, जरा अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर ये बताओ कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए उद्दत मेरे और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। शायद वह ये जानते थे कि उनके पुत्र शायद ही इस युद्ध में पांडु पुत्रों को हरा सकें। वो ये भी जानते थे कि धर्म वही है जहां वासुदेव है। दोस्तों, भले ही धृतराष्ट्र आंखों से अंधे थे, लेकिन उनका मन तो आम इंसानों की तरह चंचल था, और वही मन उनके अंदर इस जिज्ञासा को जानने की कोशिश करता है। ठीक धृतराष्ट्र की तरह हमारा और आपका मन भी हमेशा ये जानने की कोशिश करता रहता है कि हमारे और आपके सगे संबंधी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। क्या मैंने सही कहा ना? संजय अपने राजन के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, हे राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने सबसे पहले पांडवों की सेना द्वारा किए गए व्यूह रचना को देखा और फिर आचार्य द्रोण के पास जाकर कह रहे हैं कि हे आचार्य, आपके सामने पांडु पुत्र की ये बड़ी सेना के व्यूह का निर्माण आपके ही बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा की गई है। सामने खड़ी इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र जैसे महारथी हैं। अर्थात दुर्योधन युद्ध शुरू होने से पहले अपने शत्रुओं की ताकत को भली भांति परखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज हम और आप अर्जुन या दुर्योधन की तरह तो युद्ध नहीं लड़ते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन भी किसी युद्ध से कम नहीं है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने विरोधियों की ताकत को पहले भली भांति परख लें। आपने गौर किया होगा कि जब आपके सामने आपका विरोधी, भले ही वो पढ़ाई के दौरान रहा हो या फिर आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में, आपने उसकी क्षमता को बिना परखे उसे नजरअंदाज किया होगा तो आपको मुंह की खानी पड़ी होगी। शत्रु सेना की ताकत को भली भांति परखने के बाद दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने तो शत्रु की सेना की ताकत को तो जान लिया, अब जरा अपने पक्ष के योद्धाओं के बारे में जान लीजिए। मेरी सेना में स्वयं आप और पितामह भीष्म हैं,
साथ ही कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रव जैसे महान योद्धा हैं। इसके अलावा मेरे जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और चतुर सेना भी है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। दोस्तों, यहाँ दुर्योधन अपने अहंकार को प्रदर्शित कर रहा है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि दुर्योधन अभी ये नहीं जानता कि भविष्य में युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। इसलिए हम मनुष्यों को चाहिए कि अहम जो कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होने वाला है पहले उसे जान ले, ना कि अहंकारी हो जाए, क्योंकि अहंकार हमेशा ही मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। दुर्योधन ने पहले तो अपना अहंकार दिखा दिया, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अपने पितामह भीष्म के वृद्ध होने को लेकर आशंका थी। इसलिए उसने अपने महारथियों से कहा, वे सभी हर मोर्चों पर भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। हालांकि दुर्योधन ये जानता था कि उसके पितामह को उनकी मर्जी के सिवाय मृत्यु छू भी नहीं सकती, लेकिन फिर भी उसके मन के कोने में एक आशंका थी। और दुर्योधन की तरह ही जब भी हम अपने अहंकार को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में यह शंका बनी रहती है हमारी कमजोरी कहीं हमारे विरोधियों को पता न चल जाए। दुर्योधन की इन बातों के बाद पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान शंख बजाया। इसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में शंख और नगाड़े बज उठे, लेकिन उस दिन इन शंखों और नगाड़ों की आवाज मधुर नहीं थी बल्कि बड़ा ही भयावह लग रही थी। पितामह भीष्म के शंख बजाते ही कौरवों की सेना में एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार हो उठा। यह देख पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख बजाया और फिर अर्जुन ने देवदत्त नामक और भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाए। उसके बाद ज्येष्ठ पांडु युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए और इस तरह पांडवों ने अपनी शंख की आवाज से धृतराष्ट्रों अर्थात कौरव पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। दोस्तों, ठीक इसी तरह जब भी हम अपने जीवन में निराश हो जाते हैं तो हमें एक शंख की ध्वनि की तरह एक उत्साहवर्धन करने वाली चीज की जरूरत होती है और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका मित्र या फिर कोई संगीत आदि। कुरुक्षेत्र के मैदान में अभी शंखों की गूंज थमी भी नहीं थी कि हे राजन, कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं युद्ध में डटे हुए अपने संबंधियों को अच्छी तरह देख सकूं और मुझे पता चल सके कि मैं किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करने योग्य हूं। दुर्योधन के पक्ष में जो जो योद्धा युद्ध करने वाले हैं मैं इन सभी को देखूंगा। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण उन्हें दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, लो अब तुम दोनों सेनाओं के मध्य में आ गए हो। दोनों सेनाओं के मध्य पहुंचकर अर्जुन सबसे पहले पितामह भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, फिर दोनों सेनाओं में मौजूद ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं, भाइयों, पुत्रों और पौत्रों तथा मित्रों को देखते हैं। यह देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर जाता है और उनके मन में अनेक शंकाएं घर करने लगती हैं। दोस्तों, ठीक अर्जुन की तरह ही हम सभी के जीवन में भी अपनों को सामने देखकर सही या गलत में फर्क करने में ऐसी स्थिति का सामना अवश्य करना पड़ता है। आपने भी कभी ना कभी अवश्य ही किया होगा। इसके बाद अर्जुन अपने मन की शंकाओं को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो कि इस युद्ध में उनके सारथी भी हैं, उनसे कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के लिए डटे हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष भी गिर रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूं। दोस्तों, क्या व्याकुल मन में ऐसी स्थिति सिर्फ अर्जुन की ही हो रही है? नहीं, क्योंकि आपने भी गौर किया होगा कि जब हमारा मन व्याकुल होता है तो हम कोई भी काम सही से नहीं कर पा रहे होते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है, जरा विचार करके देखिएगा। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य अथवा जीवन से भी क्या लाभ होगा? हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आततायियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, और आप ही बताइए कि इन सभी को मारकर हमें कौन सा सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, ये सिर्फ अर्जुन की समस्या नहीं है, क्योंकि जब कभी भी मनुष्यों को अपने सगे संबंधियों के विरुद्ध सही या गलत का चुनाव करना पड़ता है तो अक्सर मन भटकता है। दिल कहता है विरोध में जाने पर आपके अपने सभी आपसे रूठ जाएंगे।
वहीं मन कहता है अगर आज आपने गलत का साथ दे दिया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। आप सभी ने अपने जीवन में ऐसा अनुभव अवश्य ही किया होगा। उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं जानते, लेकिन हम तो जानते हैं, तो फिर हमें इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? क्योंकि कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। इतना ही नहीं, कुल घातियों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना ना करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। इतना सब धृतराष्ट्र को सुनाने के बाद संजय ने कहा कि हे राजन, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। दोस्तों, अर्जुन जैसा कि अपने कुल के बारे में सोच रहे हैं, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें लगता है कि आपके द्वारा वर्षों से किया गया अच्छा काम किसी अपनों की वजह से ही पल भर में नष्ट होने को है। तब आपने भी अनुभव किया होगा कि उससे उलझने के बजाय हमारे लिए पीछे हटना ही बेहतर है, है ना? गीता का अध्याय 2 सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। पहले अध्याय में जब अर्जुन अपना अंतिम प्रश्न पूछकर धनुष त्याग देते हैं, तब संजय हस्तिनापुर नरेश से कहते हैं, महाराज, अर्जुन के शस्त्र त्याग देने के बाद वासुदेव कृष्ण ने अब उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया है। वासुदेव अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा देता है और ना स्वर्ग को देने वाला है और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसक की तरह मत बनो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। धनंजय, मन की इन दुर्बलता को त्याग, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। दोस्तों, श्री कृष्ण ये बातें केवल अर्जुन को नहीं समझा रहे बल्कि सारे मनुष्य जाति को समझा रहे हैं। आपने भी देखा या फिर अनुभव किया होगा कि जब भी अपनों की बात आती है तो हम सभी मन से दुर्बल हो जाते हैं और उस समय हम यह भी नहीं सोचते कि हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसका हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समय मिले तो भगवान कृष्ण की इन बातों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार वाणों से भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे वासुदेव, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हे वासुदेव, मैं ये भी नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानता कि युद्ध में कौन विजयी होगा और किसे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। और हे मधुसूदन, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे भी तो हमारे भाई ही हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए, स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। दोस्तों, श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी अर्जुन के मन की व्याकुलता दूर नहीं हुई है। उनका मन अभी भी विचलित है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वे अपनों से युद्ध कैसे करें और उन पर विजय प्राप्त कर उन्हें क्या मिलेगा। और ये सिर्फ अर्जुन की व्याकुलता नहीं है बल्कि जब भी किसी मनुष्य को आज भी अर्जुन की तरह परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो उसके मन में भी अर्जुन की तरह प्रश्न उठने लगते हैं और वह व्याकुल हो जाता है। तब मनुष्य को श्री कृष्ण की तरह ही एक गुरु की आवश्यकता होती है जो उसको इस परिस्थिति से बाहर निकालकर धर्म के मार्ग को दिखाए। उधर हस्तिनापुर में अर्जुन की व्याकुलता देख संजय ने कहा, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए।
तब श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल अर्जुन को हंसते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो वास्तव में शोक करने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे, अथवा तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आए ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हे धनंजय, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हे अर्जुन, इस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी मारती है और ना किसी द्वारा मारी जाती है। यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मती है और ना मरती ही है, तथा ना यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारी नहीं जाती। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। इतना ही नहीं, यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य है और यह आत्मा विकार रहित कही जाती है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, तो भी हे अर्जुन, तुम इस प्रकार शोक नहीं कर सकते, क्योंकि मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना उचित है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, अर्थात आत्मा का वध नहीं किया जा सकता है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो। अपने धर्म को देखकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तुम इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करना चाहते हो, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे, तथा भविष्य में तुम्हें सब लोग तुम्हारी अपकीर्ति के बारे में ही आपस में बात करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तुम पहले बहुत सम्मानित थे, वे महारथी लोग भी तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो, स्वर्ग को भोगो, अथवा युद्ध में विजयी होकर पृथ्वी का राज भोगो। इस कारण हे अर्जुन, तुम युद्ध के लिए निश्चय करके खड़े हो जाओ,
जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगे। हे अर्जुन, अभी तक मैंने जो बातें तुमसे कही हैं, ये तुम्हारे ज्ञान के लिए कही हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारा कर्म समझाता हूँ, इसलिए मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की बातें समझाते हुए कहा, हे पार्थ, इस कर्म योग में निश्यात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्यात्मिकता बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तुम उन भोगों एवं साधनों में आसक्तहीन वाला हो। जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तुम कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। तू हे धनंजय, तुम आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ अपने कर्मों को करो, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तुम सम्बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। सम्बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम भी समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंध टूटने का उपाय है, क्योंकि सम्बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन बोले, हे नारायण केशव, कृपया कर हमें ये बताइए कि समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाती है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष भी केवल विषय से तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती।
इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने का कारण ये ऐसी स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बला थर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से अत्यंत मूल भाव उत्पन्न हो जाता है, मूल भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। इसलिए हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञयोगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इस प्रहार रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी ब्रह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 2 के माध्यम से मनुष्य जाति को उसके ज्ञान और कर्म के बारे में बताने की कोशिश की है। भगवान कृष्ण ने सांख्य योग अध्याय में यह बताया है कि मनुष्य को मोक्ष अर्थात परमात्मा के चरण में कैसे जगह मिल सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही गीता का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन गीता के बाकी अध्याय मनुष्य के जीवन को किस प्रकार बदल सकते हैं, हम एक एक कर बाकी अध्यायों का सार लेकर हाजिर होंगे। लेकिन अगर आज आप गीता के इन बातों को समझने में सफल रहे तो नीचे कमेंट अवश्य करें और गीता की इस सीरीज को जारी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।